स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो यहाँ पर रेड करते हुए और यहाँ पर देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर स्कोर है अभी 2-3 का, मुंबई 2 और दिल्ली 3। तो यहाँ पर गोमान सिंह को आउट दे दिया गया है और 1 पॉइंट मिला है, और दिल्ली को 4-2 का स्कोर। तो नवीन एंड कंपनी इस समय लीड कर रहे हैं और यहाँ पर नवीन है रेड पर। देखना होगा क्या कमाल कर पाएंगे। आशु मलिक 4-2 का स्कोर यहाँ पर, और यहाँ पर वापस गए आशु मलिक। यहाँ पर रेड होती हुई 2 अंकों से आगे चलती हुई इस समय, और शिवम आए हैं रेड करने के लिए जो मुंबा की ओर से। देखना होगा कि शिवम क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर दिल्ली का, 4-2 का स्कोर। मौका कोई नहीं दे रहे किसी को। क्या लगता है आपको कौन सी टीम आज यहाँ पर बाजी मारने वाली है? और डू एंड डाई रेड में है इस समय नवीन, तो देखना होगा कि क्या डू एंड डाई रेड। जी हाँ, यहाँ पर 1 पॉइंट का इशारा करते हुए देखना होगा कि पॉइंट मिला है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर एम्पायर का इशारा, देखते हैं कि एम्पायर क्या कितने पॉइंट देते हैं नवीन। 2 पॉइंट मिले हैं नवीन को, तो 6-2 का स्कोर, 6-2। और अब रेड होनी है यो मुंबा की ओर से। मुंबा की ओर से देखना होगा कि कौन रेड देते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पे स्कॉर्पियन किक लगाई और 2 शिवम उनको आउट किया। यहाँ पर 6-2 का स्कोर, और रिव्यू लिया है यहाँ पर। देखना होगा कि रिव्यू में क्या निकल कर आता है। जी नहीं, 2 पॉइंट। और अब रेड होती हुई मुंबई की ओर से, यू मुंबा की ओर से, और काफी अच्छी रेड, 6-2 का स्कोर, 6-2। यहाँ पर जो स्कोर है वो 6-2 का है, और प्रणय राणे रेड कर रहे थे अभी तक, लेकिन कोई पॉइंट नहीं। और नवीन एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए। अभी देखना होगा कि नवीन, 3 खिलाड़ी है, सुपर टैकल ऑन है, तो क्या सुपर टैकल कर पाएंगे नवीन को? पिछले 7वें और 8वें सीजन के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। तो एक मौका हो सकता है यहाँ पर सुपर टैकल करने का। जी नहीं, यहाँ पर प्रयास जरूर किया लेकिन नाकामयाब करने में। और अब रेड होती हुई यहाँ पर मुंबई की ओर से, मात्र 2 खिलाड़ी हैं। बहुत ही असफल प्रयास, रेड होनी है मुंबई की ओर से। देखना होगा कि मुंबई की ओर से किसे भेजा जाता है रेड करने के लिए। स्कोर पहुंच गया है 7-2, और डू एंड डाई रेड है यहाँ पर। और यहाँ पर जबरदस्त टैकल, एक और पॉइंट मिलता हुआ दिल्ली को, बहुत ही शानदार, 8-2 का स्कोर। और एक ही खिलाड़ी है यहाँ पर, प्रणय राणे को टैकल किया जबरदस्त दिल्ली ने, संदीप ढोल। और अब देखना होगा कि रेड के लिए किसे भेजा जाता है। जी हाँ, नवीन आए हैं रेड के लिए, और यहाँ पर लॉन लगता हुआ सुरेंद्र अकेले रह गए थे, तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिलेंगे दबंग दिल्ली को। तो स्कोर पहुँच गया है 11-2 का स्कोर। और अब देखना होगा कि किस तरह से खेलती है आगे ये टीम। रेड होनी है अब यो मुंबा की ओर से, तो गुमान सिंह आएंगे या फिर किसी और को भेजेंगे, देखना होगा। तो पहले 5 मिनट देख सकते हैं आप, 11-2। और यहाँ पर आशीष आए हैं रेड के लिए। देखना होगा आशीष यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं अभी। जी हाँ, इशारा कर रहे हैं, 1 खिलाड़ी को आउट किया है। देखना होगा एम्पायर यहाँ पर आउट देते हैं या नहीं। जी नहीं, आशु मलिक रेड करने के लिए सोच रहे, लेकिन आखिरी वक्त वापस बुलाया यहाँ पर नवीन कुछ उनको बोलते हुए, और अब आशु मलिक आए हैं रेड करने के लिए। तो स्कोर अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 3-11 का स्कोर, और आशु मलिक
पर बोनस ऑन रहेगा इनके लिए, तो देखना होगा कि क्या बोनस ले पाएंगे या नहीं। अभी तक काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दिल्ली के फेवर में बोनस दिया है या नहीं? जी नहीं, 11-3 का स्कोर है अभी भी। और एक बार फिर से यहाँ पर आशीष रेड कर रहे हैं और यहाँ पर जबरदस्त टैकल और कोई मौका नहीं आशीष के पास। एक और पॉइंट मिलता हुआ दिल्ली को, 12-3। और अब दिल्ली की ओर से रेड होनी है, देखना होगा। यहाँ पर स्कॉर्पियन की अपना बैलेंस खो बैठे आशीष और कोई गलती नहीं की यहाँ पर दिल्ली के खिलाड़ियों ने। जबरदस्त टैकल संदीप ठुल के द्वारा और अब नवीन एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा नवीन किस तरह से खेलते हैं आज, इनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा इस सीरीज का। और आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतने वाली है, आप कौन सी टीम के साथ हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर जबरदस्त कुमान सिंह को टैकल किया है, बहुत ही शानदार। एक और पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर दबंग दिल्ली को, 13-3 का स्कोर। तो कुमान सिंह जो पिछले में सीजन में अगर आप देखें तो पिछले सीजन में बहुत ही जबरदस्त खेले थे कुमान सिंह, लेकिन इस बार उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उनकी तरफ से। और एक बार फिर से आशु मलिक आए हैं डुएंट आई रेड में, अब देखना होगा कि अशु मलिक डुएंट आई रेड किस तरह से करते हैं। और 5 खिलाड़ी है अभी तक दिल्ली के, और यहाँ पर जबरदस्त टैकल, शानदार टैकल। और एक पॉइंट और मिलता हुआ पर तो स्कोर हो गया है 4-13 का, 4-13। और अब यहाँ पर देखना होगा कि कौन सर्विस के लिए आते हैं, सॉरी कौन रेड के लिए आता। मुंबा की ओर से सर रेड यहाँ पर संदीप ढुल ने को आउट किया, टच किया, एक और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, 5-13 का स्कोर। और नवीन एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा कि नवीन अब क्या कर पाते हैं। पूरे 7 के 7 खिलाड़ी है अंदर योमुम्बा के, नवीन यहाँ पर अभी तक बोनस नहीं लिया है नवीन ने। और ये असफल प्रयास यहाँ पर, ये प्रणय की ओर से प्रयास, और यहाँ पर आशीष गए हैं बाहर और मंजीत आए हैं अंदर। तो एक और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, 14-5 का। और एक बार फिर से गुमान सिंह रेड करते हुए, तो कुमान सिंह क्या कमाल कर पाते हैं यहाँ पर, असफल प्रयास और जबरदस्त जबरदस्त यहाँ पर एक और पॉइंट दिल्ली को मिलता हुआ, जबरदस्त टैकल कुमान सिंह एक बार फिर से। लेकिन बोनस पॉइंट मिला है फिर से, संदीप धुल का जलवा आज देखने को मिला है, बोनस जरूर मिलेगा। और जबरदस्त संदीप धुल राइट कॉर्नर खेलते हैं, बहुत ही जबरदस्त। पहले ऐसा लगा कि खिलाड़ी नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद खिलाड़ियों ने साथ दिया और 6-15 का स्कोर। तो आप लोग क्या सोचते हैं कौन सी टीम आज जीतने वाली है, आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और जो दूसरा मैच होगा आज का वो होगा बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटन के बीच में, वो भी एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। और एक बार फिर से शिवम आए हैं रेड करने के लिए, 15-6 का स्कोर है, देखना होगा शिवम क्या करते हैं यहाँ। अभी भी 6 मिनट 20 सेकंड का ये मुकाबला बचा है, फर्स्ट हाफ चलता हुआ, वापस गए शिवम, कोई पॉइंट नहीं, स्कोर अभी भी 15-6। और एक बार फिर यहाँ पर रेड होती हुई दिल्ली की ओर से,
और मंजीत गए थे रेड करने के लिए, जबरदस्त टैकल किया और जाना होगा बाहर मंजीत को। एक और पॉइंट मिलता हुआ है यहाँ पर युमुम्बा को, तो स्कोर पहुंच चुका है 7-15, 7-15। और एक बार फिर रेड करते हुए यहाँ पर शिवम को देखना होगा दिल्ली की तरफ से किसे रेड के लिए भेजा जाता है। अब विशाल ने जबरदस्त टैकल किया शिवम का, और जी हाँ नवीन आए हैं कप्तान रेड करने के लिए, और देखना होगा नवीन, 5 खिलाड़ी अंदर है इस समय यो मुंबा के, और नवीन के पास मौका है यहाँ पर 1-2 पॉइंट स्कोर करने का। 16-7 का स्कोर है अभी, 16 दिल्ली और 7 यो मुंबा, प्रयास करते हुए यहाँ पर, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं यो मुंबा के खिलाड़ी। वापस जाना होगा नवीन को बिना किसी पॉइंट के। आप एक बार फिर से यहाँ पर रेड करते हुए आशीष, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है आशीष, और अगर हम बात करें दिल्ली की 7ों के 7 खिलाड़ी है यहाँ पर, और देखना होगा कि क्या ये पॉइंट मिलता है। इनको पुश किया बाहर की तरफ अशु मलिक ने, जी हाँ यहाँ पर पॉइंट मिलेगा युमुम्बा को, और 8-16 का स्कोर। तो 8-16, एक बार फिर से रेड होगी, अब आशु मलिक आए हैं रेड करने के लिए, और यहाँ पर जबरदस्त टैकल, जबरदस्त तरीके से टैकल किया सुरेंद्र पाजी ने। एक और पॉइंट मिलता हुआ युमुम्बा को, 9-16 का स्कोर। आशु मलिक काफी डीप चले गए थे, और वहां पर सुरेंद्र ने जबरदस्त प्रयास, और कोई हिलने का मौका नहीं, और एक बार फिर रेड होती हुई यहाँ पर गोमान सिंह की ओर से, जो अभी तक 2 पॉइंट लिए हैं इन्होंने। 8-9-16 का स्कोर है, देखना होगा कि क्या गोमान सिंह यहाँ पर पॉइंट ले पाएंगे। मात्र 5 खिलाड़ी है इस समय दिल्ली के, और वापस आए गोमान सिंह, और दिल्ली की ओर से रेड पर यहाँ पर नवीन, 9-16 का स्कोर। 7ों के 7 खिलाड़ी है युमुम्बा के इस समय, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का अगर यहाँ पर, लेकिन नहीं, वही गलती की है, और नवीन को ये पॉइंट मिलेगा। जी हाँ नवीन ने आशीष को आउट किया है, आशीष को जाना होगा बाहर, और अब रेड होनी है युमुम्बा की ओर से। तो क्या गुमान सिंह एक बार फिर से आएंगे रेड करने के लिए? एम्पायर यहाँ पर वेट करते हुए, सिग्नल दिया एम्पायर ने, जी हाँ रेड करने के लिए एक बार फिर आशीष को भेजा गया है। 9-17 का स्कोर, यहाँ पर बोनस ऑन है आशीष के लिए, तो क्या बोनस ले पाएंगे या नहीं? अभी तक तो इन्होंने बोनस नहीं लिया है, तो वापस जाने की कोशिश करते हुए, जी हाँ, और अब नवीन एक बार फिर से रेड करने के लिए आते हुए, 17-9 का स्कोर, दिल्ली समय लीड पर, 8 पॉइंट की लीड से आगे चलती हुई, और नवीन यहाँ प्रयास किया, क्या ये बोनस हो सकता है? अभी तक ऐसा लगा नहीं कि बोनस मिला है या नहीं, और भरपूर जानते हैं कि टाइम कंज्यूम करना है, ऑलरेडी लीड आपके पास है, और वापस गए, तो क्या बोनस इन्हें मिला है या नहीं? लेकिन नहीं, एक बार फिर से यहाँ पर रेड होती हुई, डू और डाई रेड है ये, और जबरदस्त टैकल यहाँ पर, आशीष को जाना होगा इस समय बाहर, जबरदस्त टैकल एक बार फिर से संदीप भुल के द्वारा, और स्कोर होता हुआ 9-18, जबरदस्त, 44 नंबर ढुल, कृष्ण ढुल, नॉट संदीप ढुल, सॉरी कृष्ण ढुल के द्वारा, मैं संदीप ढुल इनको बोल रहा हूँ, उनका नाम कृष्ण ढुल है, कृष्ण ढुल के द्वारा 19-9 का स्कोर। और एक बार फिर यहाँ पर आशु मलिक को भेजा गया है रेड करने के लिए, 1:14 का ये फर्स्ट हाफ बचा है, 5 खिलाड़ी है इस समय युमुम्बा के कोर्ट पर। तो आप क्या सोचते हो, आज कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है?
काफ़ी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, 9-19 का स्कोर है। और एक बार फिर से गुमान सिंह आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा। गुमान सिंह आए हैं रेड करने के लिए, लेकिन बिना एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा इनको। 10-19 का स्कोर। और नवीन, ये शायद आखिरी रेड होगी पहले हाफ की। तो यू मुंबा 2015 में इन्होंने जीता था ये कप, और तलाश है इस समय क्या इस बार भी जीत पाएगी या नहीं। नवीन यहाँ पर रेड करते हुए, तो टाइम कंज्यूम करेंगे नवीन यहाँ पर, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और यहाँ पर हाफ टाइम होता हुआ 19-10 का स्कोर हाफ टाइम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19-10 दोनों अंकों से लीड लेती हुई तबंग दिल्ली। तो आज काफी अच्छा मुकाबला रहा है। दोनों ही टीमें यहाँ पर एनालाइज करेगी, तो हम आपको दिखाते हैं ये आज का जो एनालाइज है, ये देख लिया जी, ये है दबंग दिल्ली का। ये आप देख लीजिए, नवीन यहाँ पर 7 पॉइंट लिए हैं, रवि कुमार 1 पॉइंट लिया है उन्होंने, और दूसरी तरफ विशाल की बात करें, विशाल 2 पॉइंट लिए है लेफ्ट कवर पे। विशाल ने मंजीत को पॉइंट नहीं मिला है अभी। आशु मलिक 1 पॉइंट लिए, कृष्ण ढुल 3 पॉइंट लिए हैं इन्होंने, और संदीप ढुल ने 2 पॉइंट लिए हैं। दूसरी तरफ देखिए, कुमान सिंह ने 1 पॉइंट लिया है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। गुमान सिंह 3 पॉइंट लिया है, सुरेंद्र सिंह ने 1 पॉइंट लिया है, और अगर बात करें हम हेमंत की, हेमंत को यहाँ पर पॉइंट नहीं मिला है। आशीष ने 3 पॉइंट लिए है, और शिवम को 1 पॉइंट मिला है, रिंकू को 1 पॉइंट मिला है, और मोहित को 1 पॉइंट मिला है। तो यहाँ पर अभी हाईएस्ट स्कोर में है, 7 पॉइंट लिए है नवीन कुमार ने। और ये आप टीम स्टेट्स यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। टोटल पॉइंट्स 19 है दिल्ली के और 10 है यू मुंबा के, रेड पॉइंट 8 मिले हैं दिल्ली को। रेड पॉइंट की अगर बात करें, 8 मिले हैं दिल्ली को और 7 मिले हैं यू मुंबा को। टैकल पॉइंट की भी अगर बात करें, तो यहाँ पर ये आपका बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर दिख रहा है। आप देखिए 8-3 का स्कोर है, और ऑल आउट के 2 पॉइंट दिल्ली को एक्स्ट्रा मिले हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट 1-1 मिला है दोनों टीम को। तो काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ पर होता हुआ। नाइनटीन टेन का स्कोर है, थोड़ी देर में ये सेकेंड हाफ शुरू होगा। तो क्या यहाँ पर यू मुंबा मुकाबला कर पाएगी या नहीं, वापसी कर पाएगी यू मुंबा या नहीं, ये देखना होगा। नो डाउट काफ़ी अच्छी टीमें हैं दोनों ही, लेकिन जो टीम अच्छा खेलेगी फिर वो टीम जीतेगी। तो यहाँ पर क्या यू मुंबा के पास एक मौका है, तो
और जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, अभी अगर आप इनके स्टेटस देखें तो ये आप देखिए किस तरह से पॉइंट स्कोर किए हैं इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। नवीन कुमार हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, 7 पॉइंट इन्होंने लिए हैं और 3 रन चाहिए होंगे सुपर 10 लगाने के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी इनको सुपर 10 लगाने में। और दूसरी तरफ गुमान सिंह को 7 पॉइंट लेने होंगे अगर इन्हें सुपर 10 लगानी है। बाकी आशीष ने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं और दूसरी तरफ संदीप ढुल ने 3 पॉइंट लिए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिया गया है, आशीष नरवाल अंदर आए हैं और मनजीत को बाहर किया है दिल्ली ने। तो देखना होगा कि आशीष नरवाल क्या कर पाते हैं आज। दोनों ही टीम में आशीष नाम के खिलाड़ी, और अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं किस तरह से दोनों ही टीमें गई है तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही टीमों का प्रोग्रेस कर। तो टोटल पॉइंट 19-10, तो रेड पॉइंट मिले हैं दिल्ली को 8 और 7 मिले हैं मुंबई को। तो टैकल पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आप देखिए 5 पॉइंट का डिफरेंस है, 8 पॉइंट मिले हैं दिल्ली को और 3 पॉइंट मिले हैं मुंबई को। तो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट एक मिला है दिल्ली को, ऑल आउट के 2 पॉइंट मिले हैं दिल्ली को। तो क्या लगता है आपको, क्या अपर यू मुंबा वापसी कर पाएगी या नहीं? थोड़ी ही देर में यहाँ पर फिर से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो देखना होगा कि क्या कमाल करती है, क्या यहाँ पर वापसी कर पाती है यू मुंबा या नहीं। मुझे तो लगता नहीं कोई परेशानी होनी चाहिए यू मुंबा को वापसी करने में। काफी अच्छी टीम है यू मुंबा, देखना होगा इस बार किस तरह से खेलती है। और यहाँ पर गेम मैच शुरू हो चुका है और 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर यू मुंबा को, जबरदस्त वापसी यू मुंबा की, 10-19 का स्कोर। और सुरेंदर ने ये पॉइंट लिया है, 11-19 का स्कोर। और एक बार फिर यहाँ पर देखना होगा कि दिल्ली की ओर से कौन रेड करता है, कुमार सिंह रेड करते हुए यू मुंबा की ओर से। कुमार सिंह अभी तक 3 पॉइंट इनको मिले हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, पिछले सीजन में ज़बरदस्त कमाल किया था पटना पायरेट के साथ थे। और यहाँ पर कोशिश की है लेकिन देखना होगा यहाँ 1 पॉइंट मिलता है या नहीं, 2 पॉइंट। संदीप ठुल को जाना होगा बाहर, 1 पॉइंट मिलेगा और 1 पॉइंट यू मुंबा को। 12-19 का स्कोर, 12-19। और अब नवीन आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए, देखना होगा कि नवीन क्या कमाल करते हैं आज। अभी तक बोनस नहीं लिया है नवीन ने, कोशिश करते हुए बोनस, यहाँ बोनस लगता है यहाँ पर ले लिया है। और मिड लाइन पे समय बिताते हुए नवीन और गए हैं वापस, एक बार फिर से रेड होती हुई आशीष की ओर से। देखना होगा आशीष क्या कमाल कर पाते हैं, एक बोनस पॉइंट मिला है नवीन को, 20-19 का स्कोर, 20-12 का स्कोर। आशीष रेड करते हुए, मात्र 4 खिलाड़ी बचे हैं दिल्ली के, पर एक मौका हो सकता है यू मुंबा के पास वापसी आने का। अगर यहाँ पर पॉइंट ले जाते हैं आशीष तो एक मौका रहेगा वापसी आने का, लेकिन नहीं, कोई पॉइंट नहीं। और अब वापस रेड होगी दिल्ली की ओर से, देखना होगा किसे भेजा जाता है दिल्ली की ओर से। आशु मलिक आए हैं रेड करने के लिए, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था लास्ट ईयर भी, जब नवीन नहीं थे, नवीन चोटिल हो गए थे तब तक अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जी हाँ, 1 पॉइंट मिला है आशु मलिक को, तो एक और पॉइंट मिलता हुआ दिल्ली को। 21-12 किरण यहाँ पर आउट होते हुए,
बहुत ही जबरदस्त। किरण को जाना होगा बाहर, और बात फिर गुमान सिंह आए हैं फिर से रेड करने के लिए। 12-21 का स्कोर है। गुमान सिंह काफी फुर्तीले खिलाड़ी, बहुत ही तेज गति से रेड करते हैं, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था लास्ट ईयर पटना पायलट की तरफ से खेले थे, और अब वापस आए हैं और नवीन आए हैं रेड करने के लिए। स्कोर है 21-12 का। नवीन रेड करते हुए, 6 खिलाड़ी है इस समय मैदान पर यो मुंबा के, और यहाँ पर गोमान सिंह ने प्रयास किया, नहीं जी नहीं, एक गोमान सिंह ने प्रयास किया और गोमान सिंह को जाना होगा बाहर। बहुत ही क्रूशल मोमेंट, और एक पॉइंट मिलेगा नवीन को, तो 9 पॉइंट ले चुके हैं नवीन अभी तक। और अब आए हैं आशीष रेड करने के लिए। यहाँ पर इनको प्रयास किया था लेकिन असफल रहे। एक और पॉइंट मिलेगा यो मुंबा को। 13-22 का स्कोर। और आशीष ने पॉइंट लिया है। एक बार फिर से यहाँ पर रेड हो रही है। आशीष नरवाल जो अंदर आए थे, तो देखना होगा कि क्या कमाल कर पाते हैं आशीष। जी हाँ, वही गलत फैसला एक बार फिर से। रिंकू को जाना होगा बाहर, और पॉइंट मिलेगा दिल्ली को। 23-12 का स्कोर। जरूरत नहीं थी इस तरह का करने की, और आशीष नरवाल को पहला पॉइंट मिलता हुआ। बस एक बार फिर से यहाँ पर रेड होती हुई मुंबा की ओर से। आशीष फिर से आए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा क्या बोनस ले पाते हैं या नहीं। 6 खिलाड़ी है तो बोनस ऑन है यहाँ पर, तो 4 पॉइंट मिले हैं आशीष को अभी तक। अभी तक बोनस इन्होंने नहीं लिया है, और अब जाएंगे वापस। और अब एक बार फिर रेड होगी दबंग दिल्ली की ओर से। 13-22 का स्कोर। नवीन आए हैं रेड करने के लिए। 13-22 का स्कोर है। और यहाँ पर देखना होगा किस तरह से ये मैच चलता है आगे। तेरह तेईस एक और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर नवीन को। आशीष रेड करते हुए कोशिश की यहाँ पर, लेकिन चूके पॉइंट नहीं मिला है। एक बार फिर बोनस लेने की कोशिश है यहाँ पर, तो क्या वो बोनस सक्सेसफुल रहता है या नहीं, ये देखना होगा। जी हाँ, बोनस मिला है इन्हें, और एक और पॉइंट मिलेगा। 14-23 का स्कोर। और एक बार फिर आशीष नरवाल आए हैं रेड करने के लिए। इतना होगा क्या कमाल कर पाते हैं आशीष नरवाल। यहाँ पर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी पहली बार हम इन्हें देख रहे हैं, और यहाँ पर ज़बरदस्त टैकल, और इन्हें पुश किया है बाहर की तरफ। आशीष नरवाल को जाना होगा बाहर। एक और पॉइंट मिलता है मुंबई को। 15-23 का स्कोर। 15-23, और अब रेड होनी है यू मुंबा की ओर से। यहाँ पर सुरेंद्र ने जबरदस्त पुश किया बाहर की तरफ, और पॉइंट लिया अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर से गुमान सिंह आए हैं रेड करने के लिए। 4 पॉइंट अभी तक लिए हैं गुमान सिंह ने। यहाँ पर देखना होगा कि क्या, लेकिन आउट होकर बाहर जाते हुए गुमान सिंह। तो पॉइंट यहाँ पर मिले हैं 15-23, स्टेप आउट हुए हैं गुमान सिंह। 24-15 का स्कोर। 24-15। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है। और डू एंड डाई रेट में यहाँ पर
आशु मलिक, स्टेप आउट। बाल बाल बचे हैं स्टेप आउट करने से, बहुत ही तेज गति से आए, भाग्यशाली रहे यहाँ पर स्टेप आउट नहीं हुए। और जहाँ पर पॉइंट लेने की कोशिश करते हुए देखना होगा कि एम्पायर का क्या इरादा है। आशु मलिक 2 पॉइंट दिए है जी हाँ, 26-15 का स्कोर, 26-15 बहुत कॉन्फिडेंट थे और एम्पायर ने भी कोई गलती नहीं की, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कोर 26-15 का स्कोर, क्यों मुंबई 15 और दबंग दिल्ली 26। और सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर, और नवीन को यहाँ पर टैकल किया है, जी हाँ नवीन हुए हैं सुपर टैकल, 2 पॉइंट मिलेंगे यू मुंबई को, 18-26। तो किरण ने यहाँ पर सुपर टैकल किया है, पहला सुपर टैकल हमें देखने को मिला इस मैच में अभी तक का, जबरदस्त। किरण यहाँ पर एक बार हाथ से फिसली और दूसरी बार यहाँ पर शिवम ने साथ दिया और जबरदस्त, आशीष एक बार फिर से रेड करते हुए और यहाँ पर जबरदस्त टैकल, शानदार टैकल, और एक और पॉइंट मिलेगा दबंग दिल्ली को, 27। संदीप ठुल ने यहाँ पर टैकल किया है लेफ्ट कॉर्नर पे, जबरदस्त, और कोई मौका नहीं आशीष के पास। और एक बार फिर से नवीन वापस आए हैं रेड करने के लिए, 1 पॉइंट और चाहिए होगा नवीन को, तो क्या ये पॉइंट ले पाएंगे सुपर 10 के लिए, एक और पॉइंट मिलेगा इन्हें या नहीं। अभी भी सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर, जी हाँ दूसरा सुपर टैकल यहाँ पर हुआ है, दूसरा सुपर टैकल इस बार रिंकू की ओर से, 2 और पॉइंट मिलेंगे यू मुंबा को, 20-27 का स्कोर, जबरदस्त। वहाँ पर यू मुंबा का डिफेंस काम करता हुआ बहुत ही शानदार, दूसरा सुपर टैकल लगातार बहुत ही शानदार। और गुमान सिंह एक बार फिर से नाकामयाब रहे हैं, बाहर जाना होगा गुमान सिंह को, पॉइंट मिलेगा दिल्ली को, 28-20 का स्कोर, टाइम आउट लिया है यहाँ पर सेकंड हाफ चलता हुआ। यहाँ कृष्ण कुमार हुड्डा बात करते हुए खिलाड़ियों से, देखना होगा कि काफ़ी अच्छा मैच अभी तक रहा है दिल्ली के फेवर में, तो दिल्ली फेवरेट टीम मानी जा रही है इस बार, 28-20 का स्कोर है, 8 अंकों से आगे, शानदार वापसी की है जो मुंबई ने, देखना होगा। और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 1 मिनट 30 सेकेंड का, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से ये वापसी करती है यू मुंबा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की घोषणा यहाँ पर हुई है, अट्ठाईस बीस, क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतने वाली है, आप कौन सी टीम के साथ हो। यहाँ पर 8 पॉइंट से आगे हैं अभी दिल्ली, और यू मुंबा को कोशिश करनी होगी, और 3 खिलाड़ी है यू मुंबा की और पूरी टीम है दिल्ली के अंदर, तो 2 बार तो दोनों ही सुपर टैकल किए हैं मुंबई ने।
बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलता। पहला ही मैच है प्रो कबड्डी सीजन 9 का, ये नवा सीजन, और डिफेंडिंग चैंपियन दिल्ली और यू मुंबा 2015 की चैंपियन। एक बार फिर से ये मैच शुरू होता हुआ और यहाँ पर रेड होनी है मुंबई दिल्ली की ओर से। देखना होगा कि दिल्ली की ओर से किसे भेजा जाता है रेड करने के लिए। और अगला जो मैच होना है वो बड़ा बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटन का, वो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। संदीप कंडोला को आप डायरेक्शन में देखेंगे। तो क्या संदीप कंडोला वो पवन सेहरावत वाला कमाल दिखा पाएंगे या नहीं, जिस तरह पवन सेहरावत विकास कंडोला क्या। और तीसरा जो मैच होगा वो होना है जयपुर किंग पैंथर। तो जो कल के मैच होंगे, कल आपको चंद्रन रंजीत और पवन सेहरावत का मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप हम भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर पवन सेहरावत बैठे हैं मुकाबला देखने के लिए। और अब नवीन आए हैं रेड करने के लिए, सुपर टैकल ऑन है इनके लिए। क्या नवीन को टैकल कर पाएंगे या नहीं, 9 अंक है अभी तक नवीन के। एक बार फिर से यहाँ पर दो खिलाड़ी आउट होंगे, तो सुपर 10 यहाँ पर कंप्लीट हुआ नवीन का। और 11 पॉइंट से ये अपना सुपर 10 कमा, पहला सुपर 10 पहली ही गेंद में, पहले ही मैच में। तो 20-23 और यहाँ पर लगता है कि यू मुंबा एक और लॉन से गुजर के जाना पड़ेगा। नवीन काफी खुश, सुपर 10 लगता हुआ इनका पहले ही मैच में, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फेवरेट प्लेयर माने जाते हैं ये इस सीजन के। और पवन सेहरावत, देखना होगा दोनों में तगड़ी टक्कर होने वाली है इस बार। एक बार फिर से रेड होती हुई यहाँ पर रिंकू आए हैं रेड करने के लिए। और ज़बरदस्त टैकल, बहुत ही शानदार टैकल। और एक बार फिर से लॉन लगता हुआ यहाँ पर यू मुंबा को, 3 पॉइंट मिलेंगे दबंग दिल्ली को, लेकिन बोनस मिला है तो 21-33 का स्कोर। और अब रेड होनी है यहाँ पर दिल्ली की ओर से, 21-33 का स्कोर है इस समय। शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, पहला ही मैच, बहुत ही शानदार आगाज। बहुत ही अच्छे फॉर्म में यहाँ पर दिखे हैं नवीन। आशु मलिक आए हैं रेड करने के लिए, काफ़ी समय बाद आशु मलिक को भेजा है रेड करने के लिए। और नवीन को थोड़ी इंजरी हुई है, देखना होगा क्या वो आगे के खेलेंगे, आगे जो 7 मिनट बचे वो खेलेंगे या नहीं। वापस आए हैं आशु मलिक, कोई पॉइंट नहीं। और अब गुमान सिंह आए हैं रेड करने के लिए। तो एक बार फिर से पूरी दिल्ली की टीम बक लाइन के साथ खड़ी हुई है, तो बोनस नहीं देना चाहते यहाँ पर। और कृष्ण ढुल है यहाँ पर राइट कॉर्नर पे, उनके नज़दीक जाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर संदीप ढुल इशारा कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं। और अब एक बार फिर से यहाँ पर रेड करते हुए आशीष, 7-7 खिलाड़ी दोनों ही टीम के अंदर हैं यहाँ। और 6:31 का मुकाबला बचा है। और ज़बरदस्त टैकल यहाँ पर, बहुत ही शानदार टैकल सुरेंद्र पाजी की ओर से। एक बार फिर एक और पॉइंट मिलता हुआ मुंबा को, 22-33 का स्कोर। और अब बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटन का अगला मैच होने वाला है। हम देख पा रहे दोनों ही टीमें प्रैक्टिस करती हुई, तो आज क्या कमाल करती है दोनों ही टीमें, ये देखना होगा। और एक बार फिर संदीप ढुल को बाहर जाना होगा,
एक और पॉइंट मिलता हुआ लुमुम्बा को 23-33। और नवीन एक बार फिर से रेड करते हुए, देखना होगा यहाँ पर क्या पॉइंट ले पाएंगे या नहीं। बोनस ऑन है क्योंकि 6 खिलाड़ी है, 7 के 7 खिलाड़ी है इस समय मैदान पर। बोनस जरूर मिलेगा अगर कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं नवीन। पता है कि ऑलरेडी 10 अंकों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं और वापस आए कोई पॉइंट नहीं। एक बार फिर यहाँ पर रेड होती हुई आशीष की ओर से, देखना होगा आशीष और ज़बरदस्त टैकल यहाँ पर, ज़बरदस्त टैकल होता हुआ और एक और पॉइंट मिलेगा दबंग दिल्ली को। 34-23 का स्कोर। और आशु मलिक एक बार फिर से रेड करने के लिए, 4 पॉइंट अभी तक ले चुके हैं और 6 खिलाड़ी ऑन है और बोनस भी ऑन है इनके लिए। 6 खिलाड़ी है मैदान पर तो बोनस ऑन रहेगा। एक बार फिर से जबरदस्त टैकल यहाँ पर सुरेंद्र पाजी का, जबरदस्त साथ दिया। देखना होगा कि क्या रेडर आउट होते हैं या फिर जी नहीं। 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर, जाने से पहले इन्होंने टच कर लिया था और 2 पॉइंट मिलेंगे। 36-23 यहाँ पर टाइम आउट की घोषणा, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो 36-23। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब तो 5 मिनट का गेम बचा, 4 मिनट 20 सेकंड का ये मुकाबला बचा, तो दिल्ली यहाँ पर आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर जाएगी। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली का बहुत ही लाजवाब, तो कोई परेशानी नहीं होगी ये मैच को अपने नाम करने में। तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि इनका ये स्कोर किस तरह से रहा है आज। ये आप देखिए, नवीन 11 पॉइंट ले चुके हैं अभी तक और 4 पॉइंट मिले हैं विशाल को डिफेंडर, ज़बरदस्त, और 7 पॉइंट मिले हैं आशु मलिक को। तो ये आप देख सकते हैं अभी तक। और दूसरी तरफ अगर बात करें गुमान सिंह को 4 पॉइंट मिले हैं, आशीष टॉप स्कोरर है अभी तक के, 7 पॉइंट इनको मिले हैं, और सुरेंद्र पाजी को 2 पॉइंट मिले हैं, कप्तान है ये, और विशाल को 4 पॉइंट, और आशु मलिक ने भी 7 पॉइंट लिए हैं टीम के लिए। 36-23 तो यहाँ पर 13 अंकों से आगे चलती हुई दिल्ली। और यहाँ पर टाइम आउट समाप्त होता हुआ और एक बार फिर से मैच शुरू होता हुआ। और अब देखना हुआ कि रेड होनी है लुमुम्बा की ओर से, देखना होगा लुमुम्बा क्या वापसी कर पाती है। यहाँ पर आशाएं बहुत कम क्योंकि मात्र 4 मिनट 20 सेकंड बचे हैं, 13 अंकों का फासला है यहाँ पर। और लुमुम्बा की तरफ से रेड और मात्र, अगर आप देखिए लुमुम्बा के 4 खिलाड़ी है कोर्ट पर, गए और वापस आए, जय भगवान, नए खिलाड़ी है। 1 पॉइंट अभी तक उन्होंने लिया है। दूसरी तरफ नवीन गए हैं रेड करने के लिए, 4 खिलाड़ी है, बोनस नहीं मिलेगा आपको जी। यहाँ पर इजी वे में आते हुए, ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं अंदर जाने का, लेकिन स्पीड बहुत ही ज़्यादा है नवीन की।
और वापस जाना होगा नवीन को, कोई पॉइंट नहीं। यहाँ नवीन वापस गए और एक बार फिर अपग्रेड होती हुई गुमान सिंह की ओर से, और एक बार फिर से जबरदस्त टैकल किया है गुमान सिंह को विशाल की तरफ से, जबरदस्त टैकल। और एक और पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर दिल्ली को, तो स्कोर यहाँ पर हो गया 37-24। और आशु मलिक सुपर टैकल ऑन है, तो क्या होना है यहाँ पर। जी हाँ, जबरदस्त टैकल किया है यहाँ पर, शानदार टैकल, जय भगवान की ओर से ये टैकल किया है। दो पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर वो मुंबा को, और तीसरा सुपर टैकल है इस मैच का। ये एक बार फिर यहाँ पर जबरदस्त सुपर टैकल, जय भगवान की ओर से कोई मौका नहीं मिला आशु मलिक को, बहुत ही। और एक बार फिर यहाँ पर रेड होती हुई, और देखना होगा कि क्या ये पॉइंट मिलेगा या नहीं। एक बार जय भगवान फिर से यहाँ पर एक पॉइंट निकाल कर ले गए हैं, तो टाइम आउट लिया है दिल्ली ने। अब स्कोर 27-37, टाइम आउट लिया है दिल्ली ने 27-37 का स्कोर। तो जय भगवान, जबरदस्त इन्होंने एक टैकल किया और दो पॉइंट लिए हैं अभी तक। तीन पॉइंट आप मान सकते हैं कि तीन पॉइंट लिए हैं अभी तक, बहुत ही दूसरे हाफ में आए हैं अंदर और तीन पॉइंट स्कोर किए। और अब आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर जीतने की, 3 मिनट का ये मुकाबला बाकी बचा है और टाइम आउट की घोषणा हुई है। जी हाँ, और अब टाइम आउट समाप्त होता हुआ दोनों ही टीमें वापस आती हुई। अब रेड होनी है दिल्ली की ओर से, तो क्या एक बार फिर से हुड्डा जी ने इन्हें बुलाया वापस, और कुछ टिप्स देते हुए दोनों ही टीमें वापस आ चुकी है। दिल्ली की ओर से नवीन एक बार आए हैं रेड करने के लिए, 11 पॉइंट अभी तक लिए है, सुपर टेन पहले ही मैच में इनका लगा है। दिल्ली के अगले जो 3 मैच हो गए वो हो गए गुजरात जायंट्स, यूपी योद्धा और तेलुगु टाइटंस के साथ। देखना होगा कि उसमें क्या कर पाते हैं। 1 मिनट 50 सेकेंड का ये, और आशीष आए हैं रेड करने के लिए 10 नंबर टी शर्ट, और क्या कमाल कर पाते हैं टीम के लिए। 7 पॉइंट अभी तक लिए हैं, और यहाँ पर जबरदस्त टैकल, बहुत ही शानदार टैकल, यहाँ पर जाना होगा बाहर। एक और पॉइंट मिलता हुआ दिल्ली को, 38-27 का स्कोर, शानदार टैकल इस समय संदीप ढुल की ओर से। और एक बार फिर रेड करते हुए आशु मलिक, 4 खिलाड़ी है इस समय यू मुंबा के, 1 मिनट 22 सेकंड का ये मुकाबला बचा है, 6 पॉइंट मिल चुके हैं आशु मलिक को अभी तक। और यू मुंबा के मात्र 4 खिलाड़ी है इस समय, आशु मलिक यहाँ पर टाइम कंज्यूम करते हुए वापस गए। और अब एक बार फिर से रेड होती हुई, जय भगवान एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, और यहाँ पर जबरदस्त टैकल कृष्ण कुमार ढुल का इस समय, कृष्ण ढुल जबरदस्त टैकल, एक और पॉइंट मिलता हुआ। तो दिल्ली 39-27, यहाँ पर उतना बैकअप नहीं मिला था कृष्ण कुमार ढुल को, लेकिन जब देखा कि बहुत ही शानदार विकली है, दूसरे प्लेयरों ने साथ दिया, और नवीन आए हैं रेड करने के लिए, और डू एंड डाई रेड है इस समय। देखना होगा कि नवीन क्या कमाल कर पाते, और सुपर टैकल ऑन है इस समय, डबल बेनिफिट है यहाँ पर, तो क्या एक और सुपर टैकल हमें देखने को मिलेगा। जी यार, रिंकू ने जबरदस्त प्रयास किया, लेकिन बाहर जाना होगा। तो यहाँ पर 40-27, 40-27, और अंतिम रेड होनी है ये शायद। रेड करते हुए यहाँ पर जो मुंबा की ओर से,
राहुल सेतपाल जी हम वापस गए, पॉइंट नहीं मिलेगा। और अब दिल्ली की ओर से रेड होती है और नवीन गए हैं एक बार फिर से। 13 सेकंड का ये मैच बचा है, सुपर टैकल ऑन है, दो खिलाड़ी है इस समय। तो क्या ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से सुपर टैकल कर पाएंगे नवीन का? जी नहीं, यहाँ पर एक और पॉइंट मिला है दिल्ली को और टाइम समाप्त होता हुआ दिल्ली ये मुकाबला जीतती हुई 13-14 अंकों के मार्जिन से 41-27। तो पहला मुकाबला यहाँ पर होता हुआ दिल्ली के नाम, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा है, 41-27 का स्कोर और दिल्ली की शानदार जीत। ओपनिंग मैच पर डिफेंडिंग चैंपियन है दिल्ली, बहुत ही शानदार जीत। और अब जो दूसरा मुकाबला होने वाला है वो है बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटन का, और विकास कंडोला यहाँ पर दिखेंगे आज एक्शन में थोड़ी ही देर में। शानदार जीत यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली की, बहुत ही जबरदस्त नवीन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, 12 पॉइंट इन्होंने लिए। एक बार आपको दिखाते हैं स्कोर कार्ड किस तरह से लिया है, नवीन 13 पॉइंट लिए हैं इन्होंने और गुमान सिंह को 4 पॉइंट लिए, आशीष ने 7 पॉइंट लिए है और आशु मलिक ने 7 पॉइंट लिए है। कृष्ण ढुल आप देखिए जबरदस्त 4, और विशाल ने जो लेफ्ट कवर के डिफेंडर है उन्होंने भी 4 पॉइंट लिए हैं, और कृष्ण ढुल ने भी 4 पॉइंट लिए हैं, आशु मलिक ने 7 पॉइंट लिए है। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला है हमें। और अब जो दूसरा मैच होने वाला है वो है दोनों ही साउथ की टीमें, बेंगलोर और हैदराबाद। देखना होगा दोनों ही टीमें क्या कमाल कर पाती है। बेंगलुरु टीम में पवन सेहरावत नहीं होंगे इस बार और विकास कंडोला होंगे, तो देखना होगा कि विकास कंडोला क्या कमाल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। ये आप देख सकते हैं दिल्ली एंड का फ्लो चार्ट, दूसरा मैच शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में। वो मैच होगा बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटन का, देखना होगा दोनों ही टीमें क्या कमाल कर पाती है इस बार, बहुत ही शानदार टीमें हैं दोनों ही। बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटन, क्या लगता है आपको दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मार सकती है?
तो अब यहाँ पर दोनों ही टीमें बेंगलुरु बुल्स और दूसरी टीम यहाँ पर जो है, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर दोनों ही टीमें प्लेइंग 7 इन टीमों के, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है 7 खिलाड़ी जो खेलेंगे इस यहाँ पर। विकास कंडोला, मयूर कदम, महेंद्र सिंह ये कप्तान है भारत, नीरज नरवाल ये भी रेडर हो गए, सौरभ नंदलाल और अमन जो डिफेंडर हो गए। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पर तेलुगु टाइटन की, तो विनय रेडर हो गए यहाँ पर, सुरजीत सिंह डिफेंडर राइट कवर होंगे और प्रवेश भैंसवाल हो गए लेफ्ट कवर पे। सिद्धार्थ देसाई आज यहाँ पर अपना जलवा दिखाएंगे, पिछले पूरा सीजन इन्होंने मिस किया है, तो इस बार क्या बाहुबली वाला जलवा बरकरार रहता है। दूसरी तरफ मोनू गोयत होंगे रेडर और रविंदर पहल राइट कॉर्नर पे होगे और लेफ्ट कॉर्नर पे होगे विशाल भारद्वाज। बहुत ही संतुलित टीम लग रही है यहाँ पर दोनों ही तरफ। दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या विकास कंडोला पवन सेहरावत की कमी पूरी कर पाते हैं या नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके पास ही। और सिद्धार्थ देसाई और विकास कंडोला के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा आज ही। तो ये है थोड़ी ही देर में यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है, तो कैमरा फोकस हो रहा है यहाँ पर विकास कंडोला के ऊपर। दोनों ही टीमें आ चुकी है कोर्ट पर, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी? और यहाँ पर तेलुगु टाइटन ने टॉस जीता है, रविंदर पहल है इनके कप्तान। दोनों ही टीमें हैं कोर्ट पर, थोड़ी ही देर में ये मुकाबला शुरू होने वाला है और ये सुपर हिट मुकाबला कहलाएगा आज का, जिस तरह से टीम है अपनी। आपको मैं प्लेइंग 11 ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो ये है प्लेइंग 11। अगर आप देखेंगे टीम्स यहाँ पर, ये है दोनों ही टीमें, विकास कंडोला, मयूर कदम, महेंद्र सिंह, भरत, नीरज नरवाल, सौरभ नंदलाल और अमन। दूसरी तरफ है विनय, सुरजीत सिंह, प्रवेश भैंसवाल, सिद्धार्थ देसाई, मोनू गोयत, रविंद्र पहल और विशाल भारद्वाज। ये बहुत ही संतुलित टीम इस समय लग रही है और यहाँ पर ये मुकाबला शुरू होता हुआ। तेलुगु टाइटन और बेंगलुरु बुल्स का ये मुकाबला शुरू हो चुका है। जहां पर हम देख पा रहे हैं तेलुगु टाइटन ने पहला पॉइंट स्कोर किया है यहाँ, लेकिन ऑनलाइन आने में यहाँ पर दिक्कत होती हुई और 1 लव का स्कोर। जी हाँ, यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं लाइव विकास कंडोला पर रेड करने के लिए आए हैं और सिद्धार्थ देसाई रेड करते हुए और वापस के सिद्धार्थ देसाई, कोई पॉइंट नहीं, 1-0 का स्कोर है इस समय।
कहां पर रेड और जबरदस्त टैकल, जबरदस्त टैकल यहां पर, और एक और पॉइंट मिलता हुआ तेलुगु टाइटन को 2-0, 2-0 का स्कोर है यहां पर। और अब एक बार फिर से 3-0 तेलुगु टाइटन की जबरदस्त शुरुआत। एक बार फिर से यहां पर रेड करते हुए मोनू गोयत को इस बार चार्ज दिया है रेड करने का। देखना होगा कि मोनू गोयत क्या कमाल करते हैं इस बार, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं मोनू गोयत। और विकास कंडोला आए हैं अब रेड करने के लिए। विकास कंडोला 7ों के साथ खिलाड़ी है इस समय तेलुगु टाइटन के। 3-0 का स्कोर है विकास कंडोला। एक बार फिर से यहाँ पर वापस जाएंगे, जी हाँ वापस गए। और अब एक बार फिर से यहाँ पर रेड होती हुई और विनय आए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा इस बार क्या कमाल करते हैं विनय। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मंजीत चिल्लर को, जो कि 391 इनके टैकल पॉइंट है, हाईएस्ट है इस समय। और अब नीरज नरवाल रेड करने के लिए आए, वापस गए। 3-0 का स्कोर। एक बार फिर से यहाँ पर रेड होनी है बेंगलुरु बुल्स की ओर, तेलुगु टाइटन की ओर से। मोनू गोयत एक बार फिर से गए हैं रेड करने के लिए। 0-3 का स्कोर है और डू एंड आई रेड है ये। मोनू गोयत को यहाँ पर पॉइंट लेना होगा वरना आउट हो जाएंगे। जी हाँ पॉइंट मिलेगा जरूर, लेकिन नहीं, जबरदस्त टैकल। और खाता खुलता हुआ यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स का 1-3। और शानदार सौरभ नंदलाल ने ये टैकल किया, बहुत ही शानदार। और एक बार फिर विकास कंडोला गए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा विकास कंडोला, इनके डू एंड टाई रेड में है विकास कंडोला। और जबरदस्त टैकल इस बार फिर से, बैकअप बहुत ही शानदार। और विशाल भारद्वाज ने कोई गलती नहीं की, एक और पॉइंट मिलता हुआ 4-1 का स्कोर। सॉरी सॉरी नहीं, विशाल भारद्वाज नहीं है ये, प्रवेश महसवाल की तरफ से ये टैकल हुआ है। सिद्धार्थ देसाई आए हैं अब रेड करने के लिए। सिद्धार्थ देसाई इस बार मौका है इनके पास अच्छा प्रदर्शन करने का, पिछली बार सीजन से अनफिट रहे थे। आज देखना होगा कि क्या कमाल कर पाते हैं सिद्धार्थ देसाई, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। 1-4 का स्कोर है इस समय और वापस जाएंगे। जी हम वापस गए। और अब नीरज नरवाल आए हैं रेड करने के लिए। 1-4 का स्कोर, नीरज नरवाल रेड करते हुए। देखना होगा कि नीरज नरवाल क्या कमाल करेंगे आज। और वापस जाते हुए कोई पॉइंट नहीं। एक बार फिर से रेड होगी यहाँ पर, मोनू गोयत आए हैं रेड करने के लिए फिर से। मोनू गोयत अभी तक इनका खाता नहीं खुला है। 4-1 का स्कोर है। मोनू गोयत पिछली बार डू एंड डाई रेड में शानदार टैकल किया था सौरभ नंदलाल ने, तो क्या इस बार वैसा ही कर पाएंगे। मोनू गोयत को जबरदस्त टैकल किया है इस समय, और एक बार फिर जबरदस्त एक और पॉइंट मिलता हुआ बेंगलुरु बुल्स को। यहां पर अमन ने ये टैकल किया लेफ्ट कॉर्नर पे, शानदार, पूरी टीम ने शानदार साथ दिया। और मोनू गोयत को जाना होगा बाहर। 2-4 का स्कोर इस समय। नीरज नरवाल आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। नीरज नरवाल तो क्या यहाँ पर ले पाएंगे, जी नहीं, यहाँ पर 2 का इशारा कर रहे हैं, 2 का पॉइंट का इशारा कर रहे हैं। जी हाँ 2 पॉइंट मिलेंगे। 4-all का स्कोर।
रणधीर सिंह सिरावत को हम देख पा रहे हैं जो कि बेंगलुरु बुल्स के कोच हैं, और सिद्धार्थ बाहुबली एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं, और जबरदस्त टैकल यहाँ पर सौरभ नंदलाल का एक बार फिर से 5-4। और जो यहाँ पर मैच हो रहा है वो हो रहा है बेंगलुरु में, बेंगलुरु की होम क्राउड यहाँ पर चीयर करती हुई बेंगलुरु टीम को, और एक बार फिर पर देखना होगा कि कौन रेड करने के लिए आए हैं। भरत आए हैं रेड करने के लिए, तीन खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन इस समय, तो क्या सुपर टैकल कर सकते हैं या नहीं। प्रवेश पैंसवाल दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन असफल प्रयास विशाल भारद्वाज की ओर से, और एक पावर पॉइंट मिलता हुआ बेंगलुरु बुल्स को, 6-4 का स्कोर। और अब रेड होनी है तेलुगु टाइटन की ओर से, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, देखना होगा कि कौन आए हैं। विनय को भेजा गया है तेलुगु टाइटन की ओर से रेड करने के लिए, 6-4 का स्कोर। तो जहां हम पहले देख रहे थे काफी बढ़त थी तेलुगु टाइटन के पास, अब वो बढ़त वापस ले ली है बेंगलुरु बुल्स ने। विनय के लिए यहां पर बोनस ऑन है, तो बोनस शायद ले भी लिया है क्योंकि ऑलरेडी दो खिलाड़ी हैं, बोनस जरूर मिलेगा। 5-6 का स्कोर, और अब रेड होनी है बेंगलुरु बुल्स की ओर से, और विकास कंडोला आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए, एक और पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, तो इस समय 7-5 का स्कोर, और कोशिश यहां पर हो रही थी प्रवेश भैंसवाल ने ट्राई की, लेकिन उनको जाना होगा बाहर। और अब अंतिम खिलाड़ी बचे हैं 7-5, विनय रेड करते हुए, उनके पास एक मौका है, अभी तक पकलाइन क्रॉस नहीं किए, तो बोनस इनको जरूर मिलेगा। बोनस ट्राई किया है अभी, तो जरूर मिलना चाहिए बोनस, और जबरदस्त प्रयास, लेकिन अभी तक बोनस लेने में जरूर कामयाब हुए। यहाँ पर देखना होगा कि क्या यहाँ पर पॉइंट ले पाएंगे या नहीं, लेकिन नहीं, जबरदस्त टैकल और कोऑर्डिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और पहला लॉन लगता हुआ तेलुगु टाइटन को, 3 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स को, और 1 पॉइंट मिलेगा तेलुगु टाइटन्स को। तो स्कोर हो चुका है 10-6, 10-6, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ, बहुत ही शानदार। तेलुगु टाइटन जवाब नहीं बेंगलुरु बुल्स का, और अब एक बार फिर से 10-6 का स्कोर, और रेड होनी है बेंगलुरु बुल्स की ओर से। और यहाँ पर दर्शकों का उत्साह, और भरत आए हैं रेड करने के लिए, और विशाल भारद्वाज दिख रहे हैं यहाँ पर राइट कॉर्नर पे, और भरत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं अंदर जाने की, अभी तक बोनस लेने का कोशिश, लेकिन नहीं मिला है या नहीं देखना होगा। जी नहीं, और अब एक बार फिर से रेड के लिए आए हैं सिद्धार्थ देसाई, पर क्या सिद्धार्थ देसाई अभी तक एक ही पॉइंट इन्होंने स्कोर किया है, देखना होगा कि क्या आज इनका सिक्का चलता है या नहीं। बोनस जरूर मिलेगा बाहुबली को। जी नहीं, वापस आए क्या बोनस है या नहीं यहाँ देखना होगा, लेकिन नहीं, और नीरज नरवाल को भेजा है रेड करने के लिए। स्कोर अभी भी 6-10, 4 अंकों से आगे चलती हुई बेंगलुरु बुल्स, और नीरज नरवाल एक बार फिर से रेड करने के लिए, तो क्या बोनस मिला है अभी तक या नहीं, अभी तक तो लगा नहीं कि बोनस लिया है। विशाल भारद्वाज है यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे, और 7 सेकेंड और बचे हैं, 6-5, और वापस जाएंगे नीरज नरवाल। जी नहीं, बोनस नहीं दिया गया है, और अब विनय आए हैं रेड करने के लिए, विनय काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, तो देखना होगा कि क्या कमाल करते हैं आज। अभी तक 3 पॉइंट इन्होंने लिए हैं, हाईएस्ट है जो अपनी टीम के लिए, बहुत ही अच्छा फुटवर्क देखने को मिला है इनका, काफ़ी अच्छी स्पीड है इनके पास विनय। और अब आएंगे वापस, कोई पॉइंट नहीं, और भरत आए हैं एक बार फिर से रेड, और ये है डू एंड डाई, यहाँ पर पॉइंट लेना जरूरी, वरना
आप हो जाएंगे आउट। देखना होगा कि क्या यहाँ पर, जी हाँ, क्या प्रवेश भैंसवाल को आउट किया है। जी हाँ, प्रवेश भैंसवाल को जाना होगा बाहर। और अब एक और पॉइंट मिलता होगा बेंगलुरु बुल्स को, 11-6 का स्कोर। तो भारत के हो गया 2 पॉइंट। जरूरत नहीं थी प्रवेश भैंसवाल को इतना आगे आने की। और एक बार फिर सिद्धार्थ देसाई, एक और पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर भरत ने कोशिश की थी टैकल करने की, लेकिन नहीं, और जाना होगा भरत को बाहर। तो 7-11 का स्कोर। और विकास कंडोल आए हैं रेड करने के लिए। काफी जबरदस्त महंगे खिलाड़ी है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे पवन सेहरावत और दूसरे नंबर पे, और पवन सेहरावत को ही रिप्लेस करना है इन्हें इस टीम। तो एक बार फिर, अभी तक तो काफी अच्छा मैच चल रहा है। विकास कंडोला यहाँ पर कोशिश करते हुए पॉइंट लेने की, लेकिन नहीं, और जाना होगा वापस। एक बार फिर देखना होगा कि किसे भेजा जाता है। सेवन इलेवन, 4 अंकों से आगे चलती हुई बेंगलुरु बुल्स। और यहाँ पर रजनीश को सब्स्टिट्यूट किया गया है। मोनू गोयत को बाहर भेजा है और रजनीश को लाया गया। और सिद्धार्थ देसाई एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं। और जबरदस्त टैकल यहाँ पर सौरभ नंदलाल का, शानदार। सिद्धार्थ देसाई को जाना होगा बाहर। एक और पॉइंट मिलता हुआ 12-7 का स्कोर। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, बहुत ही शानदार मुकाबला। और नीरज नरवाल रेड करते हुए 12-7 का स्कोर है। जी हाँ, एक और पॉइंट मिलेगा नीरज नरवाल को, इतनी जल्दी नहीं थी। और अब यहाँ पर रविंदर पहल ने गलती की, जाना होगा बाहर रविंदर पहल को। और अब रजनीश आए हैं रेड करने के लिए, उनको सब्स्टिट्यूट किया है मोनू गोहित की जगह पे। तो देखना होगा कि क्या कर पाते हैं यहाँ पर रजनीश। 7-13, 6 अंकों से आगे चलती हुई बेंगलुरु बुल्स। वापस आए रजनीश, और अब बेंगलुरु बुल्स की ओर से विकास कंडोला रेड करते हुए। 5 खिलाड़ी है तो बोनस नहीं मिलेगा यहाँ पर, टच आउट करना होगा आपको। और फर्स्ट हाफ चलता हुआ, 6 मिनट और बचे हैं यहाँ पर। जी हाँ, एक और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, और बाहर कोर्ट से स्टेप आउट कर गए विशाल भारद्वाज। विकास कंडोला को एक और पॉइंट, तेलुगु टाइटन सॉरी बेंगलुरु बुल्स को 14-7 का स्कोर। विशाल भारद्वाज यहाँ पर स्टेप आउट कर गए। और विनय रेड करने के लिए, तो यहाँ पर या पॉइंट मिला है एक। देखना होगा कि कौन आउट हुए हैं। 8-14 का स्कोर। विकास कंडोला एक बार फिर से रेड करने के लिए। 14-8 का स्कोर है इस समय। 5 खिलाड़ी है कोर्ट में। सुरजीत है राइट कॉर्नर पे। और देखना होगा कि क्या यहाँ पर कंडोला को, विकास कंडोला को टैकल कर पाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रवेश भैंसवाल की ओर से कोशिश की, लेकिन नहीं, पॉइंट मिलेगा विकास कंडोला को। 15-8 का स्कोर। असफल प्रयास, जरूरत नहीं थी इस तरह की प्रयास की। 15-8 का स्कोर। और अब रजनीश एक बार आए हैं रेड करने के लिए फिर से। रजनीश यंग प्लेयर है, इनको रिटेन किया था इस बार तेलुगु टाइटन ने। यहाँ पर देखना, 2 पॉइंट जरूर मिलेंगे। क्या ये सुपर रेड होगी आज की, ये देखना होगा। यहाँ पर 3 है या 2 है। यहाँ पर
एम्पायर के सिग्नल का वेट करते हुए। तो अभी तक आज सुपर रेड नहीं हुई, क्या है सुपर रेड होगी? जी हाँ, पहली सुपर रेड इस सीजन की जो की है रजनीश ने, और 3 पॉइंट मिलते हुए यहाँ पर, और 14-15 का स्कोर। अब मैच धीरे धीरे वापस आता हुआ, सॉरी 11-15 का स्कोर, और एक बार फिर से भारत आए हैं रेड करने के लिए। 11-15, और देखना होगा कि क्या कमाल करते हैं भारत। अब 2 पॉइंट अभी तक लिए हैं यहाँ पर। सुरजीत का शानदार टैकल, अकेले ही यहाँ पर कोशिश की और सफल रहे। एक और पॉइंट मिलता हुआ तेलुगु टाइटन को। 12-15, सुरजीत बहुत जबरदस्त अनुभव है इनके पास। तो इस समय 12-15, और अगर हम बात करें खिलाड़ी, तो मात्र 3 खिलाड़ी बचे हैं बेंगलुरु बुल्स के। तो क्या बेंगलुरु बुल्स के लिए ऑल आउट करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। और रजनीश को फिर से भेजा गया है रेड करने के लिए, काफी सफल प्रयास किया है रजनीश ने, और सुपर टैकल ऑन है अभी। 3 खिलाड़ी है मात्र। तो क्या यहाँ पर पहला सुपर टैकल हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, सौरभ नंदलाल है, लेकिन प्रयास जरूर करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेप आउट हुए हैं। देखना होगा कि कौन स्टेप आउट हुए हैं। एक और पॉइंट मिलता हुआ तेलुगु टाइटन को। 13-15 का स्कोर। और अब रेड करने के लिए आए हैं यहाँ पर विकास खंडोला, लेकिन वापस आए हैं। 2 पॉइंट अभी तक लिए हैं, और 2 ही खिलाड़ी बचे हैं मात्र कोर्ट पर। विकास खंडोला टाइम कंज्यूम करते हुए 13-15 का स्कोर। 2 पॉइंट से आगे चलती हुई बेंगलुरु बुल्स, जबरदस्त वापसी की है तेलुगु टाइटन्स ने। और अगर हम देखें तो तेलुगु टाइटन की टीम इस बार बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बैलेंस टीम लग रही है, जिस तरह से खेल रही है अभी तक। एक बार काफ़ी पीछे चल रही थी, और अब सुरजीत यहाँ पर रजनीश को टिप्स देते हुए, और रजनीश आए हैं एक बार फिर रेड करने के लिए। 3 पॉइंट अभी तक लिए। सुपर टैकल का चांस हो सकता है, देखना होगा कि क्या सुपर टैकल कर पाएंगे इन्हें या नहीं। जी हाँ, एक और पॉइंट मिला है रजनीश को, और 14-16 का स्कोर, जबरदस्त यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया है। देखना होगा किसको अंदर बुलाया जाता है। नरेंद्र हुड्डा को बाहर भेजा, और यहाँ पर विकास कंडोला अंतिम खिलाड़ी है ये। तो यहाँ पर एक मौका होगा इनके पास तो, लेकिन नहीं, तो प्रयास नहीं कर रहे विकास कंडोला को टैकल करने का। और जबरदस्त टैकल यहाँ पर, बहुत ही शानदार टैकल रविंद्र पहल का, और लॉन लगता हुआ पहला लॉन यहाँ पर ऑल आउट, और पॉइंट भी लेगा यहाँ पर 17-17 ऑल। बहुत ही शानदार, जबरदस्त वापसी यहाँ पर, शानदार टैकल रविंद्र पहल की ओर से। और सिद्धार्थ देसाई आए हैं रेड करने के लिए, और ये अंतिम रेड होगी फर्स्ट हाफ की। और दोनों ही टीमें, क्या जबरदस्त मुकाबला है, और जबरदस्त शुरुआत की है यहाँ पर तेलुगु टाइटन ने। पहले देखा कि बेंगलुरु बुल्स काफी आगे चल रहे थे, उसके बाद शानदार वापसी की तेलुगु टाइटन ने, और अब यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ समाप्त होता हुआ 17-17, 17 ऑल का स्कोर है, बहुत ही शानदार। तो आप लोग क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के लिए? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। और अब आपको दिखाते हैं इनका किस तरह से ये स्कोर हुआ है आज, ये आप देखिए। यहाँ पर अगर आप देखें किस किसने पॉइंट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बेंगलुरु बुल्स
और तेलुगु टाइटन। तो आप देखिए यहाँ पर विकास कंडोला 4 पॉइंट मिले हैं इन्हें, मयूर कदम को पॉइंट नहीं मिला अभी तक, महेंद्र सिंह को पॉइंट नहीं मिला, भरत ने 2 पॉइंट लिए हैं, नीरज नरवाल यहाँ पर टॉप स्कोरर रहे हैं अभी तक के, 4 पॉइंट मिले हैं इन्हें, और सौरभ नंदलाल को 3 पॉइंट मिले हैं और अमन को 1 पॉइंट मिला है। दूसरी तरफ बात करें विनय को 4 पॉइंट मिले हैं, सुरजीत सिंह को 1 ग्रीन कार्ड मिला है और 1 पॉइंट मिला है, और प्रवेश भैंसवाल को 1 पॉइंट मिला है, सिद्धार्थ देसाई को 2 पॉइंट मिले हैं, मोनू गोयत को पॉइंट नहीं मिला है, रविंदर पहल ने 1 टैकल किया था, कप्तान है आज के ये, और विशाल भारद्वाज को 1 पॉइंट मिला है। तो इस समय दोनों ही टीमें हैं बराबरी पर। और अब आपको दिखाते हैं टीम स्टैट्स, ये आप देख सकते हैं टीम स्टैट्स यहाँ पर स्टैटिस्टिक। तो बेंगलुरु बुल्स 17, तेलुगु टाइटन 17। तो रेड पॉइंट बात करें तो एक एक्स्ट्रा रेड पॉइंट लिया है तेलुगु टाइटन ने 9 और 10, टैकल पॉइंट एक ज़्यादा लिया है बेंगलुरु बुल्स ने 5-4 का स्कोर, और ऑल आउट एक बार ऑल आउट दोनों ही टीम को 2-2 पॉइंट मिले हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट एक दोनों ही टीम को मिला है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रेट, तो टोटल रेट्स 19 हुई है बेंगलुरु बुल्स की ओर से और 20 हुई है तेलुगु टाइटन की ओर से, जिसमें कि 8-8 सक्सेसफुल रेट रही है दोनों ही टीमों की, और एक सुपर रेट जो कि रजनीश ने की थी। और सक्सेस रेट आप देखिए 42% है बेंगलुरु बुल्स का और 40% है तेलुगु टाइटन्स का, और स्ट्राइक रेट अगर बात करें तो अपर 47% है बेंगलुरु बुल्स का और तेलुगु टाइटन का 50%। लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल रेट स्ट्राइक 7 बार हुई है बेंगलुरु बुल्स की ओर से, 4 बार तेलुगु टाइटन की ओर से। और टैकल्स यहाँ पर देखिए कितनी बार टैकल करने का प्रयास किया है बेंगलुरु बुल्स ने, 12 बार प्रयास किया है और 5 बार सफलता मिली है इन्हें, और सुपर टैकल अभी तक नहीं हुआ है इस मुकाबले में, और परसेंटेज देखें तो इनका 41% है। तेलुगु टाइटन की अगर बात करें तो 11 बार प्रयास किया है टैकल करने का और 4 बार यहाँ पर सक्सेसफुल रहे हैं, और 36% इनका सक्सेस रेट है। तो एक बार फिर से थोड़ी ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा, 17 ऑल दोनों ही टीमें। और अब सेकंड हाफ यहां पर शुरू होता हुआ थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, दोनों ही टीमें आ चुकी है कोर्ट पर, एक बार फिर से तैयार है दोनों ही टीमें, 17 ऑल
का स्कोर है अभी तक 17-17, दोनों ही टीमों का स्कोर है। सेवेंटीन ऑल रणधीर सिंह सिरावत हम इन्हें देख पा रहे हैं यहाँ पर, और मंजू चिल्लर जो कि कोच है तेलुगु, असिस्टेंट कोच है तेलुगु टाइटन की, और जबरदस्त वापसी की है इस समय अगर आप कहें तो तेलुगु टाइटन ने। पहले काफी पिछड़ रही थी, उसके बाद शानदार वापसी। और अब नीरज नरवाल आए हैं रेड करने के लिए, शुरू हो चुका है यहाँ पर मैच। नीरज नरवाल पहली रेड करते हुए, अभी तक इनकी सफल है, 3 पॉइंट अभी तक ले चुके हैं नीरज नरवाल, और वापस आए हैं, कोई पॉइंट नहीं मिला है। 17 ऑल का स्कोर दोनों ही टीम के साथ, सातों के साथ खिलाड़ी हैं अंदर। और रजनीश आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। रजनीश एक ही सुपर रेड इनकी हुई है, और यहाँ पर कोशिश देखनी होगी। जी हाँ, और मयूर कदम को जाना होगा बाहर, प्रयास किया था टैकल करने का और शानदार पॉइंट मिलता हुआ रजनीश को। रजनीश के हो चुके हैं 5 पॉइंट, 18-17 का स्कोर। एक बार फिर बेंगलुरु बुल्स की ओर से भरत आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा कि भरत क्या करते हैं। यहाँ पर रेड करते हुए रजनीश, और इस समय तेलुगु टाइटन का स्कोर है 20 और बेंगलुरु बुल्स 18। फिर से
यहाँ पर नीरज नरवाल रेड करने के लिए आए हैं। अब तक 3 पॉइंट इन्होंने स्कोर किए हैं और वापस आते हुए और भी नए आए हैं रेड करने के लिए, और ये है डू एंड डाई रेड। देखना होगा कि क्या विनय यहाँ पर पॉइंट ले पाते हैं या नहीं। और 5 खिलाड़ी है, बोनस नहीं मिलेगा और आपको टच आउट करना होगा अन्यथा आप करा दिए जाएंगे आउट। जी हाँ, यहाँ पर जद्दोजहद होती हुई, क्या यहाँ पर रिव्यू लिया जाएगा या नहीं। जी हाँ, 1 पॉइंट मिला है यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स को, आउट करा दिया है रेडर आउट और 19-20 का स्कोर। जी हाँ, कि अगर रिव्यू लेते तो शायद आउट थे, तो यहाँ देखना होगा कि क्या रिव्यू लिया है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर रिव्यू लिया गया है, तो देखना होगा कि क्या इन्हें ये पॉइंट मिल पाता है या नहीं। जहां तक यहां से लग रहा है कि ये पॉइंट है, पहले बेंगलुरु बुल्स आगे चल रही थी, उसके बाद तेलुगु टाइटन ने जबरदस्त वापसी की और अभी आगे चलती हुई तेलुगु टाइटन, और स्कोर यहां पर 18-20। देखना होगा कि ये पॉइंट किसके फेवर में जाता है। पर ऐसा लग रहा है कि टच है, पॉइंट जरूर मिलना चाहिए। दूसरे एंगल से देखना होगा एम्पायर को। तो यहां से लग रहा है कि हल्का सा टच है टी शर्ट पर, बाकी का स्कोर है यहाँ पर। और देखना होगा कि क्या आउट दिया जाता है या नहीं, पॉइंट दिया जाता है या नहीं। अगर पॉइंट मिलता है तो हर्षा वर्डन सर, यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल रहा है और ये पॉइंट मिलेगा तेलुगु टाइटन को। और अब देखना होगा कि रेड कौन करता है यहाँ पर। बोनस यहाँ पर देख रहे हैं, क्या बोनस भी दिया जाएगा या नहीं। पैर हवा में रहना चाहिए, यहाँ से लग रहा है कि बोनस भी है, तो एक और पॉइंट मिलेगा, 22-19 का स्कोर हो जाएगा अगर यहाँ पर बोनस मिलता है। नीरज नरवाल रेड कर रहे थे, क्या ये बोनस है, चैलेंज किया है। दूसरे एंगल से देखना होगा, यहां से लग रहा है कि बोनस है ये।
नीरज नरवाल का एक और पॉइंट मिलेगा नीरज नरवाल को और निश्चय ही इससे बेनिफिट होगा बेंगलुरु बुल्स को। जी हाँ, बोनस दिया गया है और बेंगलुरु बुल्स 20-20 20-20। ट्वेंटी ट्वेंटी का स्कोर 20-20 दोनों ही टीमें। और एक बार फिर से यहाँ पर रजनीश को भेजा गया है रेड करने के लिए। देखना होगा कि रजनीश क्या कमाल कर पाते हैं यहाँ। और जी हाँ, एक पॉइंट मिलता हुआ और तेलुगु टाइटन 21 बेंगलुरु बुल्स 20। और अब एक बार फिर से यहाँ पर नीरज नरवाल आए हैं रेड करने के लिए। नीरज नरवाल अभी तक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इन्होंने और बोनस ऑन है इनके लिए। सातों के साथ खिलाड़ी है इस समय कोर्ट पर। चार पॉइंट अभी तक ले चुके हैं नीरज नरवाल। तो क्या यहाँ पर अभी दूसरा सुपर टेन हमें देखने को मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर बोनस नहीं मिला है। और अब रजनीश आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। रजनीश क्या कमाल करते हैं आज, इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है अपनी टीम के लिए। रजनीश टारगेट कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर को लेकिन नहीं वापस आएंगे बिना किसी पॉइंट के। 21-20 का स्कोर। और अब भारत आए हैं रेड करने के लिए। भारत लंबे कद के खिलाड़ी हैं और पॉइंट लेना जरूरी है यहाँ पर। देखना होगा कि बोनस ऑन है, क्या बोनस कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर रविंदर पहल और प्रवेश विशाल भारद्वाज है यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे। राइट कॉर्नर पे है प्रवेश भैंसवाल। यहाँ पर विशाल भारद्वाज को टच आउट किया है। जी हाँ, टच किया है विशाल भारद्वाज को। और एक और पॉइंट मिलता हुआ बेंगलुरु बुल्स को। 21-21 का स्कोर। 21-21। और अब रेड होनी है। विनय आए हैं रेड करने के लिए तेलुगु टाइटन की ओर से। सेकंड हाफ चलता हुआ 12 मिनट या सेकंड का समय बाकी है अभी भी। यहाँ पर देखना होगा कि क्या कितने पॉइंट मिले हैं, कितने लोग विकास कंडोला एक आउट हुए हैं या दूसरे भी है या नहीं है। देखना होगा। विकास कंडोला ने कोशिश की एक हाथ से कैच करने की और विकास कंडोला हुए हैं बाहर। एक पॉइंट मिलता हुआ तेलुगु टाइटन 23-21 का स्कोर। और यहाँ पर भरत रेड करने गए थे। देखना होगा एक पॉइंट है या दो पॉइंट है। एम्पायर के इशारे का वे। जी हाँ, एक पॉइंट दिया गया है और 22-23 का स्कोर। और अब रेड करने के लिए भी नहीं आए हैं और बोनस ऑन है इनके लिए। 6 खिलाड़ी है। देखना होगा कि क्या बोनस निकाल पाएंगे या नहीं। यहाँ पर जबरदस्त प्रयास करते हुए बोनस लेने का और जबरदस्त यहाँ टैकल महेंद्र की तरफ से जबरदस्त टैकल देखने को मिला है। और ये 23-23 का स्कोर। 23 all। जबरदस्त टैकल किया है महेंद्र ने। और एक बार फिर भरत गए हैं रेड करने के लिए। 5 खिलाड़ी है देख पा रहे। विशाल भारद्वाज, सुरजीत, प्रवेश भैंसवाल, रजनीश। तो क्या कमाल करते हैं यहाँ पर, देखना होगा। 2 सेकंड बचे हैं इनकी रेड के और समाप्त हो चुकी है रेड। और अब किसे भेजा जाता है रेड करने के लिए? तेलुगु टाइटन की ओर से बिना किसी पॉइंट के बाहर गए हैं। जी हाँ, रजनीश एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी आज इन्होंने अच्छे पॉइंट स्कोर किए हैं। देखना होगा कि क्या
इस बार पॉइंट निकाल पाते हैं या नहीं। 23 ऑल का स्कोर है और उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा इस रेड के बाद, क्योंकि 9 मिनट का खेल शेष है। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और 23 ऑल। ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ, टफ मुकाबला, दोनों ही टीमें हैं बराबरी पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पॉइंट्स लिए हैं लाइन, ये आप देखिए, ये है पॉइंट्स स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर, इस तरह से पॉइंट लिए हैं टीमों ने। विकास कंडोला 4 पॉइंट मिले हैं, मयूर कदम को पॉइंट नहीं मिला है, महेंद्र सिंह को 2 पॉइंट मिले हैं, भरत को 4 पॉइंट मिले हैं, नीरज नरवाल टॉप स्कोरर है अभी तक के, 5 पॉइंट मिले हैं, सौरभ नंदलाल को 3 पॉइंट मिले हैं और अमन को 1 पॉइंट मिला है। दूसरी तरफ अगर बात करें, विनय को 6 पॉइंट मिले हैं, सुरजीत सिंह को 1 पॉइंट मिला है, प्रवेश भैंसवाल को 2 पॉइंट मिला है, सिद्धार्थ देसाई को 2 पॉइंट मिले हैं, मोनू गोयत को पॉइंट नहीं मिला, इनको रिप्लेस किया गया है, रविंदर पहल को 1 पॉइंट मिला है और विशाल भारद्वाज को 2 पॉइंट मिले हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे ये टीम खेलती है। मंजीत चिल्लर यहाँ पर कुछ टिप्स देते हुए टीम को, देखना होगा कि इनके टिप्स कितने काम आएंगे। और प्रदीप नरवाल यहाँ पर दिख रहे हैं, अगला मैच जो होना है वो होना है जयपुर पिंक पैंथर और यूपी योद्धा, और हमें यहाँ पर एक्शन में दिखेंगे आज प्रदीप नरवाल, जो कि फेवरेट है यहाँ पर सभी के, तो आज देखना होगा क्या कमाल कर पाते हैं। और ये मैच फिर से शुरू होने की कगार पर, दोनों ही टीमें वापस आ चुकी है कोर्ट पर। ऑल 23-23 का स्कोर है दोनों ही टीमों का, और एक बार फिर से ये मैच शुरू होता हुआ, और रेड करने के लिए आए हैं यहाँ पर विकास कंडोला। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है इस मैच का, जो भी टीम यहाँ पर बढ़त ले जाएगी वही टीम यहाँ पर जीतेगी, और अभी तक दोनों ही टीमें बहुत ही ज़बरदस्त खेली है। विकास कंडोला गए हैं बाहर, वापस गए हैं, और अब एक बार फिर से विनय, जी हाँ, आदर्श टी को भेजा गया है रेड करने के लिए, देखना होगा आदर्श टी क्या कमाल कर पाते हैं यहाँ। इधर एक भी पॉइंट नहीं लिया है आज उन्होंने, आदर्श टी, और टाइम कंज्यूम करते हुए गए हैं वापस, और एक बार फिर से भारत आए हैं रेड करने के लिए। भारत की रेड, टू एंड डाई रेड यहाँ पर, और पॉइंट लेना है ज़रूरी,
देखना होगा कि क्या लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल भारद्वाज है यहाँ पर, और सुरजीत है राइट कॉर्नर पे, क्या टैकल कर पाएंगे या नहीं। जी नहीं, जी हाँ, यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं भरत पॉइंट की, और दोनों ही एम्पायर आपस में बात करते हुए, देखना होगा कि क्या रिजल्ट मिलता है। लगता है कि शायद शाल प्रवेश भैंसवाल को यहां पर आउट दिया गया है। प्रवेश भैंसवाल बाहर गए हैं, जी हाँ, प्रवेश भैंसवाल को आउट किया गया है, और ये पॉइंट मिलेगा बेंगलुरु बुल्स को। और रिव्यू क्या है यहां पर, देखना होगा कि क्या क्या रिजल्ट आता है रिव्यू से। ये 2.5 रेट थी, तो क्या पॉइंट मिल पाता है या नहीं। और एम्पायर चेक करते हुए 23 ऑल का स्कोर है अभी भी, एक एक पॉइंट बहुत ही क्रूशल यहां पर। क्या विशाल भारद्वाज यहां पर आउट करा दिए जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। जी हाँ, विशाल भारद्वाज टच स्टेप आउट कर गए हैं, तो शायद यहां पर आउट करा दिए जाएंगे। जी हाँ, यहां पर टच पर एंगल बदल कर देखते हुए, बहुत ही करीबी मामला है, और ये मैच बहुत ही क्रूशियल मोड पे, दोनों ही टीमें बराबरी पर है। देखना होगा कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है दोनों ही टीमों का। टू 2 पॉइंट मिलेंगे, जी हाँ, बेंगलुरु बुल्स को 2 पॉइंट यहां पर मिलेंगे। 25-23 का स्कोर, 2 पॉइंट से आगे निकलती हुई बेंगलुरु बुल्स। प्रवेश भैंसवाल और डू एंड डाई रेड में सिद्धार्थ बाहुबली, सिद्धार्थ देसाई, अब मुझे अपनी टीम के लिए कुछ करना होगा, और बोनस है उनके पास, देखना होगा कि क्या बोनस ले पाएंगे या नहीं। और उन्हें बाहर किया है, ये पॉइंट मिलेगा बेंगलुरु बुल्स को, बोनस पॉइंट मिला है। जी हाँ, यहाँ पर 24-26 का स्कोर, और रेड होनी है अब बेंगलुरु बुल्स की ओर से, और सितार देसाई को जबरदस्त यहाँ पर सौरभ नंदलाल ने, और विकास कंडोला सुरजीत के बीच आर्गुमेंट होता हुआ यहाँ पर, और देखना होगा कि एम्पायर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। जी हाँ, आउट दिया है एम्पायर ने सुरजीत को, और 1 पॉइंट मिलता हुआ
बेंगलुरु बुल्स को 27-24 का स्कोर, और अंतिम खिलाड़ी है यहाँ पर रेड करते हुए रजनीश। तो क्या इस वक्त पे एक और लॉन झेल पाएगी? यहाँ बोनस जरूर मिलेगा, यहाँ कोशिश करेंगे पॉइंट लेने की, और क्रूशल है इस समय पॉइंट लेना। जी हाँ, जबरदस्त टैकल, शानदार टैकल और लॉन लगता हुआ यहाँ पर, ऑल आउट, और एक बार फिर से मौका होगा यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स 30 तेलुगु टाइटन 25, 5 पॉइंट आगे चलते हुए। अब यहाँ पर वापसी करनी होगी तेलुगु टाइटन को, अन्यथा ये मैच हाथ से निकल जाएगा। भारत आए हैं रेड करने के लिए, और रविंदर पहल पर लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, और लेफ्ट कॉर्नर पे है विशाल भारद्वाज। क्या यहाँ पर भारत का टैकल कर पाते हैं या नहीं? जी नहीं, अभी तक बोनस नहीं मिला है। स्कोर पहुँचा है 25-30, और अब रेड होनी है तेलुगु टाइटन की ओर से। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता हुआ यहाँ पर, और मौका है दोनों ही टीमों के पास। टाइम आउट लिया है बेंगलुरु बुल्स ने, और रणधीर सिंह शेखावत यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना आराम से नेचुरल गेम खेलो, और ज़्यादा पॉइंट देने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी हम 5 पॉइंट लीड पे हैं, अब मेंटेन करो, जो भी लीड है उसे मेंटेन करो, ये इनका सजेशन है कोच का। 30-25 का स्कोर है, और अब रेड होनी है इस समय। सिद्धार्थ देसाई तैयार है रेड करने के लिए। जी हाँ, सिद्धार्थ देसाई आए हैं रेड करने के लिए 25-30 का स्कोर, और इसके बाद ये अंतिम रेड होगी, उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होने वाला है। यहाँ पर गए वापस, क्या पॉइंट मिलेगा, बोनस पॉइंट या नहीं? जी हाँ, बोनस पॉइंट मिला है, 26-30 का स्कोर है इस समय। नीरज नरवाल आए हैं रेड करने के लिए बेंगलुरु बुल्स की ओर से। नीरज नरवाल अभी तक 4 पॉइंट लिए हैं उन्होंने रेड पॉइंट, और यहाँ पर बोनस ऑन है इनके लिए। तो क्या बोनस ले पाएंगे या नहीं? और विशाल भारद्वाज ने कोशिश की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपने आप को अपना डिसीजन चेंज किया और वापस गए। अब एक बार फिर से रजनीश को भेजा गया है रेड करने के लिए। सिद्धार्थ देसाई आए हैं रेड करने के लिए। यहाँ पर जबरदस्त टैकल सिद्धार्थ देसाई का, 1 पॉइंट मिलता हुआ बेंगलुरु बुल्स को 31-26 का स्कोर। क्या बोनस लिया है सिद्धार्थ देसाई ने या नहीं? जी नहीं, और यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अब देखना होगा कि एम्पायर किस समय स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देते हैं। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और अब 26-31, 5 पॉइंट से बेंगलुरु बुल्स आगे हैं इस मुकाबले में अभी तक। और अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर तेलुगु टाइटन वापसी कर पाएगी, या फिर जीत के करीब पहुंचेगी बेंगलुरु बुल्स? अगला जो मैच होना है वो होना है जयपुर पिंक पैंथर और यूपी योद्धा के बीच में, जहां पर दिखेंगे हमें दो बहुत ही लेजेंड, एक तो शोमैन राहुल चौधरी, और दूसरी तरफ दिखेंगे प्रदीप नरवाल। देखना होगा कि ये दोनों किस तरह से खेलते हैं आज, काफी कुछ डिपेंड करेगा इन दोनों पे, और ये भी देखना होगा क्या राहुल चौधरी आज खेलते हैं या नहीं। और कल भी 3 मैच है, आपको बता दें, आज भी 3 मैच थे और कल भी 3 मैच है।
स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ पर समाप्त होता हुआ और रेड होनी है अब तेलुगु टाइटंस की ओर से। देखना होगा कि किसे रेड करने के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर देख पा रहे हैं हम राहुल चौधरी को यहाँ पर, तो क्या आज वो उतरेंगे मैदान में। और अभिषेक बच्चन को हम देख पा रहे हैं जो उनके ऑनर है टीम के, और टीम की किट पहन के बैठे पवन शेरावत यहाँ पर है और 986 पॉइंट लिए हैं। दूसरी तरफ प्रदीप नरवाल नंबर वन पे है आईपीएल में टॉप थ्री रेडर, दूसरे नंबर पर मनिंदर सिंह है, तीसरे नंबर पर पवन सेरावत अभी तक, और नंबर वन पर है प्रदीप नरवाल। और 26-31 का स्कोर। नीरज नरवाल आए हैं रेड करने के लिए, अगले 4 मिनट और खेल बाकी है। नीरज नरवाल बोनस ऑन है, 6 खिलाड़ी है अभी तक अंदर। सिद्धार्थ देसाई आउट हुए थे पिछले में, तो क्या यहाँ पर चैलेंज होगा। और रविंदर पहल की नाकामयाब कोशिश, रविंदर पहल को जाना होगा आउट। ये पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स को और 32-26 रविंदर पहल। इस तरह के प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, गलती कर बैठे बहुत ही अर्ली। और रजनीश आए हैं रेड करने के लिए, इन पर पूरा दारोमदार रहेगा क्या और एक सुपर रेड दे सकते हैं, देखना होगा। जी नहीं, और यहाँ पर शानदार टैकल भरत की ओर से इस बार, बहुत ही जबरदस्त टैकल। एक और पॉइंट मिलेगा बेंगलुरु बुल्स को, 33-26 का स्कोर। और अब मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटन के लिए संभावना यहाँ पर खत्म होती हुई, जिस तरह से खेल रही है टीम उस तरह से मुझे लगता है कि संभावना यहाँ पर खत्म होती हुई। और विकास कंडोला आए हैं रेड करने के लिए, टाइम कंज्यूम करते हुए सेंटर लाइन के पास खड़े हैं और कोशिश वापस गए। और एक बार फिर से विनय को बाद भेजा गया है रेड करने के लिए, विनय काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, और अभी तक यहाँ पर किसी की भी सुपर टेन नहीं लगी है इस मैच में। पहले मैच में हमने देखा कि नबीन ने सुपर टेन लगाई थी। और यहाँ पर टैकल करने का प्रयास लेकिन सफल नहीं हुए और बाहर जाना होगा। एक और पॉइंट मिलेगा तेलुगु टाइटन को, तो विनय के 7 पॉइंट हो गए, 27-33 का स्कोर। और सिद्धार्थ देसाई आए हैं अंदर, टाइम आउट लिया गया है तेलुगु टाइटन की ओर से। मंजीत चीलर यहां पर इंस्ट्रक्शन देते हुए, चिलर बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं, सबसे टॉपर है यहाँ पर टैकल में अगर देखा जाए। इंस्ट्रक्शन देते हुए टीम को, देखना होगा क्या कोच की सोच कहती है, क्या कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अल्टीमेटली कोच सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन पूरा सारा खेलना खिलाड़ियों को है अंदर। और एक बार फिर नीरज नरवाल रेड करेंगे, जी हाँ नीरज नरवाल रेड करते हुए, जोगिंदर नरवाल के सपुत्र। पिछली बार दोनों एक ही टीम में थे, फाइनल में काफ़ी अच्छा रोल निभाया था इन्होंने, और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद। और रेड करने के लिए आए हैं 5 खिलाड़ी है इस समय तेलुगु टाइटंस के। क्या सुरजीत है आप राइट कॉर्नर पर, देखना होगा कि क्या जबरदस्त टैकल यहाँ पर विशाल भारद्वाज की ओर से। और ये पॉइंट मिलेगा तेलुगु टाइटंस को, 28-33। और अब बेंगलुरु बुल्स के 5 खिलाड़ी रेड करने के लिए आए हैं विनय, 7 पॉइंट अभी तक लिए हैं विनय ने। क्या यहाँ पर स्टेप आउट कर गए हैं बाहर, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि स्टेप आउट किया बाहर। जी हाँ, एक पॉइंट मिलेगा, 29-33 29-33 यहाँ पर। क्या ये स्टेप आउट का पॉइंट है या नहीं, ये देखना होगा। 29-33 4 पॉइंट बचे हैं अब, और टाइम आउट लिया है बेंगलुरु बुल्स ने।
जी हाँ, स्टेप आउट कर गए हैं यहाँ पर। चेंज नंबर फोन पीसी अंदर लाया जाता है। और बेंगलुरु के अगले 3 मैच हो गए पुणेरी पल्टन के साथ, 9 अक्टूबर को होगा, 12 अक्टूबर को बेंगलोर वॉरियर्स के साथ। और भारत आए हैं रेड करने के लिए, 29-33 का स्कोर है यहाँ पर। और नरेंद्र हुड्डा को सब्सटीट्यूट किया है और मयूर कदम गए बाहर बेंगलुरु बुल्स ने भारत रेड करते हुए। बोनस ऑन है इनके लिए, 4 पॉइंट से लीड करती हुई इस समय बेंगलुरु बुल्स। और टाइम कंज्यूम करते हुए भारत, 1 मिनट 20 सेकंड का वक्त बचा है पूरा इस मैच के लिए। क्या और वापस गए भारत बिना किसी पॉइंट के, और बिना आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। ना होगा, क्या कमाल कर पाते हैं बिना। एक मौका है यहाँ पर, अगर 4 खिलाड़ी है मात्र बेंगलुरु बुल्स के, और क्या जबरदस्त टैकल यहाँ पर, बहुत ही शानदार टैकल, और ये पॉइंट मिलता हुआ बेंगलुरु बुल्स को। और 34-29 का स्कोर, 34 महिंदर की तरफ से शानदार टैकल हुआ है, बहुत ही शानदार। और अब भारत एक बार फिर से रेड करते हुए, टाइम कंज्यूम करते हुए 30 सेकंड बचे हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु बुल्स ने आज का मुकाबला जीत लिया है, जीतने के कगार पर बेंगलुरु बुल्स। और अंतिम रेड होगी ये, और रजनीश आए हैं रेड करने के लिए, 5 पॉइंट से आगे चलते हुए बेंगलुरु बुल्स। तो ये मुकाबला जीता है बेंगलुरु बुल्स ने 5 अंकों से। जी हाँ, और ये मैच हो चुका है समाप्त, और बेंगलुरु बुल्स इस मैच की विजेता रही है। और जो अगला मैच होने वाला है योद्धा और जयपुर बिग पैंथर, सवाल अभी भी यही कि क्या राहुल चौधरी इसमें खेलेंगे या नहीं। नेक्स्ट मैच है यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर और यूपी योद्धा के बीच में, तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या योद्धा इस बार कमाल कर पाएंगे या नहीं। प्रदीप नरवाल हमें देखने को मिलेंगे, और उसके बाद दूसरी तरफ राहुल चौधरी और अर्जुन देशवाल का जलवा हमें देखने को मिलेगा। बेंगलुरु बुल्स यहाँ पर जीती है ये मुकाबला, और अब देखना होगा कि अगला जो मुकाबला है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। ये है वो अगला मुकाबला, जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस यूपी योद्धा। जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस यूपी योद्धा, थोड़ी ही देर में यह मुकाबला शुरू होगा।
ये मुकाबला भी हो रहा है बेंगलुरु में, जयपुर पैंथर और यूपीओ था। दूसरा जो मुकाबला है वो जीता है यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स ने, पहला मुकाबला जीता है दिल्ली ने। और ये आज देखना होगा कि दोनों ही टीमें किस तरह से खेलती है। थोड़ी देर में यहाँ पर टॉस होने वाला है, देखना होगा कि टॉस में कौन सी टीम बाजी मारती है यहाँ।
यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर, दोनों ही टीमें आ चुकी है कोर्ट पर। टॉस होने वाला है अब यहाँ पर। तो प्रदीप नरवाल और अर्जुन देशवाल, सुरेंद्र गिल और राहुल चौधरी, ये चार होंगे यहाँ पर जबरदस्त खिलाड़ी। देखना होगा कि ये चारों क्या परफॉर्म करते हैं। राहुल चौधरी पिछले सीजन में हमें इतने अच्छे नहीं दिखे थे, क्या इस बार कमाल कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि काफी समय से राहुल चौधरी ने यहाँ पर और टॉस जीता है यहाँ पर जयपुर किंग पैंथर ने, और डिसाइड किया है कोर्ट। और दोनों ही टीमें तैयार, और ये मैच शुरू होने वाला है। तो प्रदीप नरवाल आए हैं पहली ही रेड करने के लिए, तो अब देखना होगा यहाँ पर प्रदीप नरवाल का जलवा देखने को मिलेगा। और पहला ही टैकल यहाँ पर, पहला पॉइंट मिलता हुआ जयपुर पिंक पैंथर को। सो जयपुर पिंक पैंथर ने अपना खाता खोला है यहाँ पर, और अर्जुन देशवाल रेड करते हुए। और अर्जुन देशवाल को सक्सेसफुली यहां पर टैकल किया है, एक एक पे दोनों ही टीमें। और सुरेंद्र गिल आए हैं रेड करने के लिए। पिछले सीजन में सीजन 8 में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अर्जुन देशवाल ने, तो क्या बोनस ले आए हैं यहाँ पर। और राहुल चौधरी, देखना होगा इस बार क्या कमाल करते हैं राहुल चौधरी। और पहले अर्जुन देशवाल आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर राहुल चौधरी के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रदीप नरवाल रेड करते हुए, और शाहुल कुमार को जाना होगा बाहर। एक पॉइंट मिलेगा यूपी योद्धा को, दो। यहां पर 1-2 का स्कोर, यूपी योद्धा 2 जयपुर पैंथर 1। अजीत कुमार आए हैं रेड करने के लिए। होगा क्या कमाल करते हैं अजीत कुमार। काफी अच्छे खिलाड़ी है, और एम्प्टी रेड रही है अजीत कुमार की। I'm sure.